हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का ये सवाल था क्या सर हम आईआईटी जेएम काउंसलिंग 2021 में भी अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्या इसका प्रोसेस होगा चेंज करने का। तो फ्रेंड्स आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप आईआईटी जेएम काउंसलिंग 2021 में भी अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो लास्ट ईयर की तरह। तो करना कब है, कैसे करना होगा, तो स्टूडेंट जैसे आप जानते हो 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आपको आईआईटी जेएम काउंसलिंग के लिए जो जॉब्स काउंसलिंग पोर्टल है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसमें आपका कॉलेज का चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद में 20 मई से 25 मई तक के आपको टाइम मिलेगा, या तो आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो तो आप 20 मई से 25 मई के बीच में आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग से रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आईआईटी जेएम का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि आपको कैटेगरी को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि क्या सर हमें रिजर्व कैटेगरी में हमने लगा ली फॉर्म लगाया था लेकिन अभी हम ओपन में आना चाहते हैं, तो ओपन में आप डायरेक्टली आ जाओगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में है या फिर ओपन कैटेगरी में अभी जनरल में है, वो ईडब्ल्यूएस में आना चाहते हैं, ओबीसी में आना चाहते हैं या एससीएसटी में आना चाहते हैं, तो उनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो भी कैटेगरी में आना चाहते हैं उनका इस टाइम में वे स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को चेंज करा सकते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में शुरू में ही या तो गलती से उन्होंने कोई गलत कैटेगरी चूज कर ली, मान लो जनरल से थे उन्होंने ओबीसी वगैरह या ईडब्ल्यूएस चूज कर लिया, या फिर वो ओबीसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे और गलती से उन्होंने जनरल कैटेगरी चूज कर लिया, या फिर अभी वो अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, मान लो किसी स्टूडेंट के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है इस कंडीशन में को चेंज करना चाहता है, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल 20 मई से 25 मई तक आप चेंज कर पाओगे। ये काम आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो या फिर आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो, जिसके लिए आपको हमारी टीम की मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी स्टूडेंट्स। और मेंबरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट्स की आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम हैंडल करेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कॉलेज का ऑर्डर कैसे चूज करना है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव क्राइटेरिया वाले कौन कौन सी ब्रांच है आपके लिए, फिर सीट मिलने के बाद में सीट अलॉटमेंट के बाद में सीट को फ्रीज करना होता है, विड्रॉल करना होता है या फिर उसको अपग्रेडिंग करना होता है, तो ये प्रोसीजर कैसे करना होगा ये भी हमारी टीम हैंडल करेगी। और उसके सीट को फ्रीज करने के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे आपका प्रोविजनल डिग्री है, सीसी है, माइग्रेशन है, तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारी टीम हैंडल करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराने, क्या क्या वहाँ ले जाना होगा, तो इस तरह का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर है हमारी टीम हैंडल करेगी। साथ साथ में आपकी कैटेगरी भी हमारी टीम चेंज करवा देगी, जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा या फिर ईमेल करना होगा, पूरा प्रोसीजर है वो हमारी टीम हैंडल करेगी और कैटेगरी को चेंज हो जाएगी अगर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास है स्टूडेंट, तो आप ले सकते हो हमारे मेंबरशिप। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे।